अयोध्या के ठठरिया स्थित अवधलोन में जहां स्थित ग्वालिया प्रोग्राम ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश जमीयत उर राइन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला जमीयत उर राइन के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में जमीयत उर राइन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। मैं मोहम्मद वसीम रानी, उत्तर प्रदेश जमीयत उर राइन का प्रदेश का अध्यक्ष, राइन समाज। आज फैजाबाद में हमारा विस्तार था, राइन बिरादरी का विस्तार था, जिसको लिए हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी उत्तर प्रदेश की टीम और ऑल इंडिया की टीम जो मंच पे आई। और ये ऑल इंडिया जमीयत उर राइन और उत्तर प्रदेश जमीयत उर राइन की टीम आई है संगठन विस्तार के लिए फैज़ाबाद में। ऑलरेडी फैज़ाबाद में हमारा संगठन पहले से काम, उसका विस्तार किया गया। और एक दावतनामा जो 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश जमीयत उर राइन के द्वारा ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम रविंद्रालय चारबाग के सामने लखनऊ में होने वाला है। ऑल ओवर यूपी का प्रोग्राम है ये, और भी देश से, तमाम प्रदेशों से भी लोग आएंगे इस प्रोग्राम में, जो राइन समाज का प्रोग्राम होने वाला है। सर, ये संगठन एक सामाजिक संगठन है, हमारी कमेटी है, राइन बिरादरी की कमेटी है, जो पिछले जमीयत उर राइन का प्रोग्राम था। जमीयत उर राइन, सीधी भाषा में कहें राइन समाज, उसी सीधी भाषा में कहें जो लोग जानते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा में वो कह रहे हैं, उनका एक संगठन। एक हम तादाद में बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे बारे में कोई जानता नहीं, ठीक है। तो उसी संगठन को दिखाने के लिए कि हम कितने हैं, कितने ज़्यादा हैं, हमारा संगठन भी राजनीति में, सामाजिक में, हर जगह हमारा संगठन बहुत मायने रखता है, हमारी तादाद बहुत मायने रखती है। ये राइन हम लोग पहले हैं राजनीतिक बाद में। राइन कमेटी की तरफ से आज फैजाबाद में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये आह्वान किया गया है कि 3 नवंबर को रविंद्रालय लखनऊ पहुंचकर हम लोग वहाँ प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई शमशाद आलम राइन साहब और प्रदेश अध्यक्ष भाई वसीम राइन साहब, अमीरुल्ला साहब, ताज बाबा राइन साहब।